अफ्रीकन आदिवासी और जुबा पर धारा प्रवाह हिंदी और गुजराती भाषा, ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के अवसर पर मनाए जा रहे राज्योत्सव व राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य के दौरान। यहां देश के 28 राज्य समेत दुनिया के 10 देशों की जनजातियां लोक नृत्य की प्रस्तुति देने पहुंची हैं। इसमें एक दल ऐसा भी था जो अफ्रीकन होते हुए भी गुजराती और हिंदी में बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि वे गुजरात से हैं और अफ्रीकन आदिवासी नृत्य को लेकर दुनिया भर में प्रस्तुति देने जाते हैं। वे अब भारतीय रंग में रंग चुके हैं। यहाँ उनके 300 से अधिक गांव हैं जहाँ करीब 20,000 अफ्रीकी रहते हैं। उन्होंने बताया, जब जूनागढ़ के नवाब अफ्रीका गए थे तो वे वहाँ अफ्रीकी महिला के प्यार में पड़ गए थे। जब ये महिला भारत आई तो अपने साथ कई गुलामों को ले आई थी। ये लोग फिर लौट कर नहीं गए और गुजरात में रह गए। माना जाता है कि सिद्धि पूर्वी अफ्रीकी और अरब देशों में काम करने वाले मजदूरों के वंशज हैं। हिंदी में अपने बारे में बताइए। हम ये बोलते हैं, हमारे गुजरात में जलेबी गाठिया फाफड़ा बहुत फेमस है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात से आए हैं। मूलतः क्या है आप लोग का, इतिहास क्या है? गुजरात से आए हैं। नहीं, मूल इतिहास क्या है यहाँ? सूरत से। आपके पूर्वज कहाँ के हैं? अफ्रीका के। यहाँ पे आप कहाँ रहते हैं सब लोग? हम लोग सूरत में, गुजरात में। कितनी बस्तियाँ हैं? बहुत बस्ती है, सूरत, जूनागढ़, तालारा, जामनगर, रतनपुर, जगरिया। यहाँ पूरी अफ्रीकन बस्तियाँ बसी हुई है। वहाँ कितने लोग होंगे? 5,000-10,000? कितने हैं? 10,000 होगा। 10,000 अफ्रीकन लोग रहते हैं यहाँ पे। वाह, आप यहीं जन्म लिए हो, पैदा ही हैं? आप हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्री से? अब्दुल सिद्दीक। हाँ, अब्दुल सिद्दीक। अब्दुल सिद्दीक, आप लोगों का धर्म मतलब मुस्लिम धर्म से है, है ना? सभी की सब मुस्लिम धर्म, जितने वहाँ पे अफ्रीकन है? नहीं नहीं, सब नहीं है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, इंडिया में ही है। अच्छा, और कोई हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म में भी है? हाँ। वाह, बढ़िया। कर्नाटक में? कर्नाटक में है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।